देखिए आज हम बना रहे हैं बैंगन आलू का भुर्ता, जिसके लिए हमें चाहिए एक किलो बैंगन। हमने एक किलो बैंगन लिए थे गोल वाले, इसको हमने सेक लिया चूल्हे पे, आपको तरीका भी बताएंगे। इसके लिए हमने एक किलो बैंगन लिए और आधा किलो आलू लिए, हमने इस तरीके से काट लिया। आपकी मर्जी का छोटे बड़े कर लीजिएगा अपने साइज, उसके हिसाब से एक हमने मीडियम साइज का प्याज लिया, उसे हमने बारीक काट लिया। आधा किलो हमने टमाटर लिए, इसमें हमने 10 हरी मिर्चें ली है, एक खाने का चम्मच इसमें हमने धनिया लिया, एक चाय का चम्मच इसमें हमने हल्दी ली, एक खाने का चम्मच इसमें लहसुन और एक खाने का चम्मच इसमें अदरक हमने दरदरा से ऐसा कूट लिया। 10 हरी मिर्चें लिए, ये भी हमने दरदरी से कूट लिए, एक खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्चें, एक खाने का चम्मच इसमें नमक है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। एक चाय का चम्मच इसमें गर्म मसाला है, एक चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद जीरा और 4-5 इसमें बेर वाली मिर्चें, और हमें इसमें चाहिए आधी गड्ढी धनिया और एक प्याली तेल। चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं, इसके पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी सारी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। क्या हम आपको बता रहे हैं बैंगन का सेकने का तरीका, ये देखिए हमने चूल्हे पे डायरेक्ट इसको सेकेंगे इस तरीके से, इसका छिलका जो है वो खुद ही फटना शुरू हो जाएगा और बैंगन सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको थैली में या कोई टीपन ढक्कन वाले टीपन में टाइट बंद करके रख देंगे थोड़ी देर, 5 मिनट उसका छिलका खुद ही आराम से होता है। ये देखें आप देख सकते हैं बैंगन बिल्कुल सिकुड़ चुका है, आप देखें छिलका इसका फटने लगे, सॉफ्टली हो गया कितना, ये देखें अब कितना सख्त है, ये सॉफ्ट हो गया। अब इसको हम इसको थैली में इस तरीके से बंद करके 5 मिनट रख देंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगा और इसका छिलका उतर जाएगा। ये बैंगन जो है इसको हम मैश करेंगे। अब ये देखिए बैंगन तो हमने सेक लिए थे आपके सामने, आपको तरीका बता दिया, अब इसको मैश करने का बताते हैं। देखिए इस तरीके से इसको मैश करिएगा, काटिएगा नहीं, काटने में सही नहीं रहेगा, ये भुरते वाला मज़ा नहीं आएगा। इसको इस तरीके से करिएगा, ये बिल्कुल सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए आप देखें बिल्कुल सॉफ्ट है ये। देखिए पतीला हमने रख दिया, पतीला हमारा गर्म हो गया, अब इसमें डालेंगे तेल सबसे पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके गर्म होने का इंतज़ार करें। देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे जब सॉफ्ट हो गया, उसके बाद इसमें डालेंगे आलू। ये देखिए प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए, अब इसमें डालेंगे जीरा सबसे पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसी के साथ डाल देंगे आलू। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेगा, बस इतने ही चाहिए हमें, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो 2-3 मिनट चलाएंगे, फिर उसके बाद डालेंगे हम बाकी के मसाले। देखिए आलू को डाले हुए 2-3 मिनट हो गए, अब इसमें डालेंगे मसाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डाल देंगे हल्दी, फिर उसके साथ डाल देंगे नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला धनिया, कुटी मिर्चें, लहसुन अदरक, और ये हरी मिर्च, सारे मसालों को हमने डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट चम्मच चलाएंगे, फिर उसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। बैंगन जो है वो तो हमने आपको बता दिया, वो कुछ पके हुए ही हैं, बस 5 मिनट डाल के बस चम्पक करेंगे। 2-3 मिनट हो गए इसको, इसमें डाल देंगे टमाटर, सारे टमाटर डाल देंगे इसमें। अब इसको हम टमाटरों का सॉफ्ट होने का इंतज़ार करते हैं। देखिए बैंगन आलू के भुर्ते का जो हम मसाला आपको बता दें, देखिए टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए, प्याज भी सॉफ्ट हो गए। अब इसमें डाल देंगे हम बैंगन, डाल देंगे सबसे पहले हरी मिर्चें और बेर वाली मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी के साथ डाल देंगे ये बैंगन जो हमने आपको बताए थे सेकने का तरीका, और आपको मैश करें, देखिए ये बिल्कुल मैश हो गए, अब ये बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे क्योंकि ये तो पक गए। अब इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप बिना आलू के बनाना चाहें तो बिना आलू के भी बना लीजिएगा, बिना आलू के भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आलू ढाले हमने बना क्योंकि आलू अच्छे लगते हैं, तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जैसे, और इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के दमपक करेंगे, फिर उसके बाद धनिया और गरम मसाला डाल देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गए। देखिए सालन हमारा तैयार हो चुका है, देखिए आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं, देखिए आलू बिल्कुल फ्रेश हो गए और बैंगन भी बिल्कुल गले हुए। अब इसमें डाल देंगे धनिया और गरम मसाला, सालन बिल्कुल तैयार हो गया हमारा, इसमें अब डालें गरम मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसी के साथ डाल देंगे हरा धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से हिला देंगे और इसका चूल्हा बंद कर देंगे कि सालन जो है बैंगन आलू का भुर्ता वो तैयार हो जाए। देखिए सालन हमारा तैयार हो गया, अब इसको डिश आउट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सालन निकाल लेंगे।
देखिए आज हमने आपको बैंगन का कोफ्ता बनाना सिखाया है, मुंबई बैंगन का कोफ्ता जो सर्दियों में खाया जाता है और इसलिए जो इसे खाना चाहिए क्योंकि इससे खून भी होता है, अगर आपको मिलता है तो इसे आप इसको पकौड़े के तरीके भी खा सकते हो, मुद्दा बना के भी खा सकते हो, तो आपको जो मिलता है वो खत्म हो जाएगा। ये बहुत मजे का बना है, इसको आप फ्राइडे के साथ भी खा सकते हो, चपाटी के साथ भी बहुत मजे का लगेगा। और इसे पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर के साथ और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम आपको अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना सिखा सकें। बिल्कुल सिंपल मिसालों से बना है लेकिन बहुत मजे का बना है, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर आपको कैसी लगी है। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली स्टेला।